everyone, welcome back to my YouTube channel Anshika की दुनिया and आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ. क्या शेयर करने वाली हूँ, इधर देखो और इसके बाद खुद पता चल जाएगा. आई होप आप लोग ये ना समझ रहे हो कि मैं आप लोग के साथ में स्टेशनरी शेयर करने वाली हूँ. नो, ये एक प्रकार का स्टेशनरी है बट आज की वीडियो होने वाली है माई स्टडी सप्लाईज. मतलब हमारे पास काफ़ी सारे स्टेशनरीज होते हैं, पेन्स होते हैं, पेंसिल्स होते हैं, काफ़ी सारे टाइप्स के मार्कर होते हैं, बट उनमें से हम लोग सारे तो यूज़ नहीं करते. हाँ चलो मान लिया कुछ लोग प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हैं. एंड गाइज वी हैव अ बटरफ्लाई हियर, वो देखो इधर आ जा हाथ पे. बैठेगी तब तो. अब याद आया मुझे ये वाला सॉन्ग, बटरफ्लाई बटरफ्लाई बटरफ्लाई. देखो देखो एक जगह बैठेगी. She is just roaming here and there. हाथ पे तो आ जाओ, आ जाओ, चल चलो. सो स्केच पेन्स बहुत लोग कॉपी में यूज़ नहीं करते हैं तो हम लोग इसीलिए आज मैं मेन स्कूल स्टडी सप्लाईज आप लोगों को दिखाने वाली हूँ. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद दिस बटरफ्लाई. सो पहले है ये हमारे काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आते हैं ये पेपर पेन्स. ये सब हमारा तब यूज़ आता है जब हम लोग कोई भी नोट्स बनाने जाते हैं और कुछ भी जैसे हम लोग को काम करना रहता है कि मान लो कि हम लोग कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं और बैक पेज के बार बार आंसर नहीं मिल रहे तो हम लोग बार बार उसको वहाँ पे इस जगह पे पेन करके आराम से उसको यूज़ कर सकते हैं. हो गया पेंस, शार्पनर एंड इरेजर. ये तो भाई हम लोग जितने छोटे बच्चे नन्ना मुन्ना रही हूँ तब से ही हम लोग यूज़ कर रहे हैं डायग्राम्स के लिए नॉल एंड ऑल. सो वो तो हर एक स्टूडेंट के पास होना ही चाहिए. सो नेक्स्ट है ये हाइलाइटर्स. आई मेरे पास टोटली 4 हाइलाइटर्स है क्योंकि 2-3 हाइलाइटर मेरे पापा ले गए हैं. सो वो एक कलर था ऑरेंज और एक और येलो. मतलब येलो जनरली स्टूडेंट्स ज़्यादा यूज़ करते हैं उनके वर्क्स में क्योंकि ना येलो जैसे ग्रीन और येलो में काफ़ी डिफरेंस होता है. ग्रीन जब आप कोई भी पॉइंट को हाईलाइट करते हो ना तो विजिबल नहीं होता है और येलो से जब आप कोई भी पॉइंट को हाईलाइट करते हो तो वो ईजिली विजिबल होता है. इसलिए आई मेक श्योर कि स्टूडेंट्स को हमेशा लाइट कलर्स के हाइलाइटर यूज़ करने चाहिए. और देखो बात होती है कि पर्पल ब्लू हाइलाइटर्स की तो वो लोग वो अच्छा होता है. नो मेरे को भी चाहिए बट ना वो मेरे अपने फ्रेंड से लेकर मैंने यूज़ किया था बट ना वो जब मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करती हूँ ना तो वो एक्चुअली वो पूरा पॉइंट ही ढक जाता है. अब क्या फ़ायदा हाईलाइट करने का, इसलिए मैंने विश छोड़ दिया नहीं चाहिए. येलो हाइलाइटर इज द बेस्ट, येलो ऑरेंज एंड पिंक और सारे हाइलाइटर हाइलाइटर्स काफ़ी ज़्यादा डार्क होते हैं. प्लस वो सिर्फ किसके लिए होते हैं ये भी बता दो, शॉपिंग के लिए ना. वो बस स्टाइल मारने के स्टाइल मारने के लिए. सो अब काम तो एक ही हाइलाइटर से चलता है ना. मैं भी एक ही हाइलाइटर यूज करती हूँ. मेरे को भी ज्यादा पिंक ब्लू मुश्किल से अगर मैं यूज करती हूँ तो पिंक करती हूँ नहीं तो मेरा येलो ही रहता है. आप जाकर देख लो मेरे सारे कॉपी में येलो हाइलाइटर. सो नेक्स्ट है हमारा ये मोबाइल स्टैंड. देखो आप लोगों को तो पता ही है कितना ज़्यादा यूज़फुल होता है. मान लो अगर आपको ऑनलाइन किसी भी टीचर्स की वीडियो देखनी है तो आराम से उसको ऐसे खोलो लगाओ और देख लो. सो चलो अब विदाउट एनी फर्दर लेट दूसरे सप्लाई पे आते हैं. सो दूसरा सप्लाई है obviously everyone know about this thing sticky note. ये वाला स्टिकी नोट हम बच्चों के काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आता है. दिस इज़ नॉट अ स्टिकी नोट गाइज, ये एक नोट पैड टाइप का है और ये है स्टिकी नोट. इस पर आप कुछ भी अपना लिख सकते हो और यहाँ से इसे हटा सकते हो. और मेरे पास कुछ कलरफुल स्टिकी नोट्स भी हैं जैसे ये देखो. और बात हुई ना कि देखो जैसे मेरे पास ना मैं इसी टाइप के जनरली लेती हूँ. पहले मेरा भी शौक था कि मैं स्टार शेप करूँ. हाँ शेप्स अलग है बट ना अगर आपको ऐसा पतला सा एक पतला स्ट्रिप वाला आता है ना तो उसमें ना ज़्यादातर पॉइंट्स लिखा नहीं पाते हैं. तो आप लोग ना एक स्केल या किसी सीजर की हेल्प से आराम से ऐसे स्केल की हेल्प से आप लोग इस टाइप का बना सकते हो. देखो तो वो आपको ही पता रहेगा, आपको ही वो पता रहेगा कि वो कितना लंबा क्वेश्चन है तो उसके हिसाब से आप लोग इस पेपर को टेयर कर सकते हो. जैसे कि इसीलिए मेक श्योर कि आप लोग इसी टाइप का लो क्योंकि इस टाइप का ना यूज़ ज़्यादा आता है. शौक तो भाई कभी ख़त्म होने का नहीं है. आपका ये शौक ख़त्म मतलब मान लो मैंने पापा से डिमांड किया था पापा मेरे को ब्लू ब्लू येलो ग्रीन हाइलाइटर चाहिए तो पापा ने मेरे को कभी और दिया बट मैंने जिद नहीं किया. मैंने बोल के छोड़ दिया दे जब देना है दे दो आप. अच्छा उस दिन पापा ने ये नहीं किया कि मैंने ये करो तब दूंगा.
ठीक है, तो ये मतलब हम लोग को ना कभी भी अपने पेरेंट्स से जिद नहीं करना चाहिए. जो चीज़ अगर आपको उस टाइम पे मिल जाए तब तो भाई और वेरी लकी. वो अगर आपको उस टाइम पे ना मिले मे बी आपके पेरेंट्स आपको बाद में दें या फिर किसी इवेंट पे दें. सो इसलिए कभी भी जिद मत करो, नहीं तो थप्पड़ खा जाओगे. ये भी रीज़न हो सकता है. सो नेक्स्ट है हमारे स्टडी सप्लाईज में, ये आता है बुकमार्क्स. एज़ यू कैन सी डिफरेंट टाइप्स के बुक मार्क आते हैं हमारे पास, ये वाले इस टाइप के और सबसे यूनिक ये वाला मैंने खुद से बनाया है. तो मैं बता दूँ इसका यूज़ क्या है. इसका ये किचन एक्चुअली, तो इसका यूज़ क्या होता है गाइज. तो इसका यूज़ है कि मान लो कि अगर आपका कोई भी एक पॉइंट है, जैसे कि आई एम हैविंग दिस बुक बाल काम का, ठीक है. सो मान लो मेरी टीचर सामने खड़ी है एंड शी टीच मी ब्ला 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 ब्ला, ये कुछ कुछ पढ़ा दी और बोली नेक्स्ट में मैं कंटिन्यू करूँगी. तो पेज फोल्ड करने से ज़्यादा अच्छा है कि हम लोग जनरली पेज फोल्ड कर देते हैं या फिर मार्क कर देते हैं और जब टीचर आती है कहाँ मार्क किया था कहाँ मार्क किया था, ये हमेशा मेरे साथ होता है. या फिर पेज फोल्ड करती हो तो पूरी बुक ख़राब हो जाती है. इसीलिए आप लोग इस टाइप का एक बुक मार्क यूज़ कर सकते हो इसके लिए. तो अरे हाँ चलो ये है ना, हाँ चलो ये वाला पेज नंबर खोलते हैं. अब अगर आप लोग काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, अगर आपको इन सब में टाइम वेस्ट करने का नहीं मन है, पेज नंबर याद कर लो, वो भी एक बुक मार्क ही होता है, पेज नंबर याद कर लो. और बात हुई ये यूनिक वाली किचन की, लेट मी यूज दिस. ऐसा नहीं मैं यूज़ दिस चीज़ें बनाती हूँ, मैं बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें. सारे बुक मार्कर्स मैंने घर पे बनाए हैं बट दिस इज़ अ किचन. देखो गाइस ये कपड़े पे टैग लगा हुआ था, ये मैंने इसको हटा के, इतनी क्रिएटिव हूँ ना गाइस मैं, इतनी ज़्यादा कि कोई लिमिट नहीं बता सकता कि मैं इतनी ज़्यादा क्रिएटिव हूँ. सो ये सारे बुक मार्क्स मैंने घर में खुद से बनाए. देखो सिंपल सा मिडिल क्लास फैमिली का फंडा है, जो नए कपड़ा है उसका टैग उखाड़ के बना लो. सिंपल है. मैंने भी सब इसी से बनाए हैं. देखो पीछे क्या लिखा, डिकॉट. अरे गाइस इजी पीजी लेमन स्क्वीजी. बस ये वाला मैंने कार्डबोर्ड की हेल्प से बनाया है. मैंने इसमें मेरे को टोटल 1 आवर लगे थे, पता नहीं इसमें ऐसा कुछ था नहीं बट वो चिपक नहीं रहा था. और सबसे ज़्यादा यूनिक मुझे यही लगा है, जो चीज़ें हम लोग घर में बना सकते हैं इतने सुंदर सुंदर, जैसे हम लोग ये घर में इतने बुक मार्क्स, इतने अच्छे अच्छे यूनिक यूनिक स्टाइल्स के बुक मार्क्स बना सकते हैं, तो हमें उसे बाहर से खरीदने की क्या ज़रूरत है, पैसे वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है. इसीलिए तो ना आप लोग के पास जो भी हो ना तो उसी में खुश रहो, होता है ना, मतलब जो है आपके पास उसी में हमेशा आप लोग संपन्न रहो, खुश रहो, ज़्यादा वो सब करने की ज़रूरत नहीं है. सो अगर आपको चाहिए कि मैं आपके साथ एक और यूनिक टाइप का बुक मार्क शेयर करूँ, सो लेट मी नो इन दी कॉमेंट बॉक्स. क्योंकि ना मेरे मन में काफ़ी सारे आइडियाज़ हैं बट मैंने सबको स्टोर करके रखा है, क्योंकि मैंने सोचा है वो सब कुछ मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ. सो इफ़ यू वॉन्ट दैट वीडियो लेट मी नो इन दी कॉमेंट बॉक्स. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे ज़्यादा यूजफुल है एक मिनी डायरी. ये हम लोग स्कूल में भी कैरी कर सकते हैं और कहीं भी जाओ वहाँ कैरी कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये पॉकेट है, पॉकेट डायरी है. तो इसमें ना एक्चुअली मैंने अपना सब कुछ टू डू लिस्ट और स्पेशली मैंने ये सब मेरे को क्या क्या कैसे कैसे करना है वो सब मैंने बना रखा है. थैंक्स टू डू होमवर्क में मेरे को क्या क्या जैसे जैसे टीचर बोलते जाते हैं वैसे वैसे मैं नोट डाउन करते जाती हूँ, हाँ ये होमवर्क है. जब घर आके देखते हैं इतना सारा होमवर्क मिल गया गाइस, उस समय तो नोट डाउन कर सकते हैं. और घर आके फिर मैं और भी चीज़ें करती हूँ कि देखो मेरे को क्या क्या करना है घर में, क्योंकि होमवर्क से तो काम चल. हाँ तो आप लोग के लिए एक मैसेज है मेरे लिए नहीं, मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ आप लोग को कि जब भी आप, अगर आप एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो या फिर एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, देखो आई एम अ स्कूल गोइंग स्टूडेंट, सो आप लोग को ना हमेशा अपने आप लोग को ना हमेशा अपने साथ एक डायरी, मिनी डायरी सही कैरी करना चाहिए. क्योंकि मान लो टीचर कोई भी पॉइंट बता रही है ना, तो वो सब आप लोग इस डायरी में लिखो. बट अगर आप लोग काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, आपका माइंड आईक्यू सिस्टम काफ़ी ज़्यादा 110% है, सो आप लोग इसको आराम से माइंड में भी स्टोर कर सकते हो एल्बम बना के. एल्बम का नाम दे देना और फाइल का भी नाम दे देना. सो ये है कुछ इंपॉर्टेंट स्कूल सप्लाईज जो कि स्टूडेंट के पास होने ही चाहिए. बट एक सप्लाई भूल गई गाइस, दिस इज फिंगर में लग गई बेचारी. सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कूल सप्लाई, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन. ये कहाँ से खुला है गाइस, ये अलग से दिख रहा था उसके अंदर. ओके सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सप्लाईज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, लाइक पेन, पेंसिल, वाओ पेन पेंसिल उठा के पेन बोल रही हूँ, पेंसिल एंड इसको नीचे का ढक्कन कर. अच्छा हाँ, मैंने इसको डीआरबी बनाने के लिए यूज़ किया,
करने का सोचा है तो वो आई मेक श्योर कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी. सो देखो नॉट लॉन्ग वीडियो में, क्योंकि लॉन्ग वीडियो आप लोग आगे करके देखते हैं तो इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो में शेयर करने वाली हूँ. सो देखो अगर आपको इस वाली ये भी वीडियो चाहिए ना कि दीदी नहीं अंशिका मतलब डिफरेंट टाइप्स के मतलब स्टूडेंट्स को कौन से पेन जनरली यूज करने चाहिए, बॉल पेन या जेल पेन, क्योंकि मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता था. सो आई थिंक सो यू शुड यूज दिस टाइप ऑफ ये आप लोग को ना हमेशा बॉल पेन यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जेल पेन से मान लो अगर आप का कॉपी में बारिश में वर्क भीग गया तो सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगी गाइस. इसीलिए ये वाला पेन देखो, ये वाला आप लोग प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ कर सकते हो. रुको रुको इस पर लिखाती हूँ करके. एक तो जेल पेन से काफ़ी ज़्यादा सही हैंडराइटिंग बनती है, और एक पेन ये वाला है पेन समर. सो आप लोगों को इनमें से कौन सा पेन ज़्यादा अच्छा लगा? मैं तो एक्चुअली स्कूल ये वाला लेके जाती हूँ, क्योंकि मुझे ना इससे ग्रिप बन चुकी है. सो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरे पास कितने टाइप्स के पेन है. और इतना फैंसी पेन ले जाने से ना सबसे अच्छा साइनोसॉफ्टिक जिंदाबाद गई, जिससे सबसे मस्त लिखाता है. सो ये सारे मेरे सारे पेन्स हैं, और भी हैं बट वो सारे मेरे पास फैंसी पेन्स हैं, तो वो सब मैं आप लोग अपने स्टेशनरी कलेक्शन वीडियो में दिखाऊंगी. तो ये सारे पेन्स हम लोग अपने जनरली स्कूल में यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सारे पेन ही भाई हमेशा साथ देते हैं. ये पेन फैंसी पेन कभी साथ नहीं देते, मतलब कभी उनका लीड टूट गया तो कभी कुछ हो गया, लीड टूट गया सारा इंक कॉपी पे गिर गया, क्योंकि ये मेरी फ्रेंड के साथ हो चुका है. इसीलिए तब से मैंने फैंसी पेन नो आई डोंट टेक यू, आई टेक दिस, आई टेक साइनोसॉफ्टिक बट नॉट दिस टाइप ऑफ ऑल पेन्स, क्योंकि ना तो उनसे हैंडराइटिंग अच्छी बनती है और इस टाइप के पेन से ग्रिप भी अच्छा बनता है और हैंडराइटिंग भी सही बनती है. सो आई मेक श्योर कि ऑल दी स्टूडेंट शुड यूज दिस टाइप ऑफ पेन्स, दीज मैंने बोला दिस टाइप ऑफ पेन. एंड ये एक इफ स्टूडेंट्स आर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आप लोगों को मेरी बात का बुरा लगा हो तो, लेकिन ये सच है, एक बार ट्राई करके देखो, एक बार फैंसी पेन से लिखना छोड़कर ये पेन ये वाला ये 10-20 रुपए का पेन से गाइस लिख के देखो, आई चैलेंज यू, आपकी हैंडराइटिंग स्वर्ग बन जाएगी, स्वर्ग बन जाएगी. सो जितने मेरे टिप्स बताए कि एक क्राफ्ट कॉपी लो, एक वो सब ब्ला 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 ब्ला, सो वो सब आप लोग फॉलो करो. एंड आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब. सब्सक्राइबर्स बोल देती हूँ, आप लोग सब्सक्राइब तो मैं बोल देती हूँ, हर वीडियो में बोलती हूँ, लेकिन आप लोग करते नहीं हो. प्लीज़ कर दिया करो मेरा यह मासूम सा चेहरा देख कर, प्लीज़.